हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में रिएक्शन मैकेनिज्म में चल रहे थे ना। तो लास्ट क्लास में अपन न्यूक्लियोफाइल और बेस की बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होती है कि जिनके ऊपर लोन पेयर होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है वही बेस होते हैं, और जिनके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है जो आसानी से दे सके। तो अपन बोलेंगे भी न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या एक ही होते हैं क्या? तो बोले एक तो नहीं होते, शायद कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो अपन ने कल इस बात का डिस्कशन कर लिया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स, इट मींस न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो चलना फिरने से रिलेटेड है, और बेसिसिटी इज रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक। मतलब क्या हुआ कि एच प्लस जो निकालते हैं उन्हें अपन बेस बोलते हैं, तो उन्हें कहीं पे भी चलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही आराम से जाए, चाहे फास्ट फास्ट जाए। अपन तो इस बात पे ध्यान दें कि वो कितना एच प्लस जल्दी निकाल पा रहा है, और एच प्लस बच्चों जल्दी वो तभी निकाल पाएगा जब जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया होगी, ज्यादा होगी, तो वो जल्दी से अट्रैक्ट करेगा एच प्लस को। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि डेफिनेटली बच्चों कितना फास्ट गया वो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो चल के जा नहीं पा रहा है, बल्कि ग्रुप है, साइडों में बड़े बड़े क्राउडिंग कर दिया आपने, तो फिर उसके चलने में डेफिनेटली तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो अपन क्या बोलेंगे उसकी, सर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई है ना। तो दिमाग में क्या रखोगे, न्यूक्लियोफाइल मतलब चलने फिरने से रिलेटेड, बेस मतलब एच प्लस जल्दी कौन निकालेगा उससे रिलेटेड, है ना। फिर भी जो मेजर डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल्स में और बेस में, कई बार जैसे अपन ऑर्डर लिखते हैं ना, तो जीओसी में कभी ऐसा है, मैंने नहीं बोला आपको कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में आप इनको लिखो, लेकिन ऐसा मैंने आपको बहुत बार बोला कि बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो, केबी का ऑर्डर लिखो। तो इसका मतलब कई बार ऐसा होगा कि जो केबी का ऑर्डर आएगा सेम वही उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा, लेकिन कई बार बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि जो बेसिसिटी का ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स, उसे छोटा होना पड़ेगा मोस्टली। क्लियर है? चलो देखो, एक कॉलम बनाते हैं अपन थोड़ा सा फास्टली। न्यूक्लियोफाइल को बच्चों मैं ऐसे रिलेट एनयू माइनस लिख दूं चलेगा, न्यूक्लियोफाइल, और बेस जो होते हैं या फिर बेसिसिटी, और न्यूक्लियोफाइल की होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, टू टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे कितना जल्दी जाके अटैक कर सकता है, कितना जल्दी जाके उसे डोनेट कर सकता है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। और बेसिसिटी मतलब टू गेन थ्रू टेंडेंसी टू गेन द एच प्लस, कितना एच प्लस जल्दी ले सकता है। ओके, एक चीज याद रखना, पहला पॉइंट न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अपने इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, तो बस चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्यों ना हो, सभी को डोनेट कर सकते हैं एक्सेप्ट एच प्लस, क्योंकि एच प्लस को डोनेट करने वाले बेस होते हैं बच्चों, है ना। अगर ये एच प्लस को कर दिया तो बेसिक हो गया ना, बेस की तरह ट्रीट करेंगे ना इसे। इसका मतलब पहला पॉइंट तो मुझे इस बात को लिखना पड़ेगा, इट डोनेट इट्स लोन पेयर बोलो या फिर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एक्सेप्ट एच प्लस। एच प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकते आप, हालांकि देने को दे सकते हो, लेकिन अगर एच प्लस को दे दिया तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो बेस कहलाएगा, है ना। दुनिया का हर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जिसको ये लगता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर उसकी हेल्प करने कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आया तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एच प्लस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर एच प्लस हुआ तो फिर वो बेस हो जाएगा ना। इट डोनेट इट्स लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज
एस प्लस ओनली, ये एच प्लस को देंगे बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, ये क्या देंगे एच प्लस को देंगे। दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक नहीं करते, ये इवन उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड भी बनाएंगे। जैसे कि मान लो कोई भी अपने पास, मान लो जैसे कि पास प्लस है ना, कोई कार्बोकैटायन है, उसके ऊपर उसने अटैक किया, अटैक तो करेगा ही करेगा लेकिन उसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड जनरेट करेगा है ना, और बेस क्या करेंगे, कोई खुद तो जाने वाले हैं नहीं, अटैक वटैक होगा नहीं, तो सिंपल सा उसका एच प्लस निकालते हैं, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ। इज इट क्लियर, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो किसके साथ, एच प्लस के साथ। तो इस बात को अपन लिखते हैं, नॉट ओनली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दे आल्सो मेक कोवेलेंट बॉन्ड विथ दैट। और इसके बारे में क्या लिखोगे, शॉर्ट में लिख लो, इट डज नॉट, ये ऐसा नहीं करेगा, ये किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ किसी बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। इट ओनली मेक्स कोवलेंट बॉन्ड विथ एच प्लस, ओनली एच प्लस निकाल लेगा और उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्या बात सुन आई, है ना, इस बात को लिख ले, इट डज नॉट, ये ऐसा नहीं करेगा, ओनली ओनली मेक कोवेलेंट बॉन्ड बी एच प्लस ओनली, ये सिर्फ एच प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये डिफरेंस में आ गया। ओके एक चीज और, क्या जो न्यूक्लियोफाइल्स है क्राउडिंग से अफेक्ट होंगे क्या, मान लो साइडों में बड़े बड़े ग्रुप लिखे हुए हैं तो उन्हें जाने में तकलीफ होगी क्या, बिल्कुल, लेकिन बेस को स्टेरिक क्राउडिंग से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना बड़ा लगाओ कि उसे कोई ज्यादा दूर नहीं जाना होता, उसे एच प्लस को निकालना होता है। इज इट क्लियर और नॉट, इट मीन्स इट अफेक्टेड बाई स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, और ये इट डज नॉट, ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा भाई, क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स एंड इट इज रिलेटेड टू थर्मोडाइनेमिक्स, उसे चलने फिरने से मतलब है, इसे एच प्लस निकालने से मतलब है, स्टेबल कितना जल्दी हो रहा है उसे मतलब है ना। चलो इस बात को लिखो, इट इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स एंड इट इज रिलेटेड टू थर्मोडाइनेमिक्स, क्लियर है। जैसे देखो मान लो एक Nu1- है, कोई न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ठीक है, एक मान लो लेट सपोज Nu2 न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करने आ रहे हैं है ना, जैसे कि मान लो CH3Cl है और CH3Cl है, ये रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई, इसकी लेट सपोज रेट वन है और ये रिएक्शन मान लो रेट टू से हो रही है ना। बताओ न्यूक्लियोफाइल्स किस पे अटैक करते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज पे या डेल्टा प्लस टाइप से, तो ये नेगेटिव इधर आएगा, ये डेल्टा प्लस इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये क्या करेगा बोलो, ये नेगेटिव चार्ज आया अटैक बाहर, न्यूक्लियोफाइल आया अटैक बाहर, इस टाइप से है ना। और आपको पता चल गया कि ऐसे प्रोडक्ट जनरेट हो गए, CH3 के साथ Nu1 लग गया और इधर CH3 के साथ Nu2 लग गया,
NO2 लग गया और साथ में Cl माइनस, साथ में Cl माइनस निकल गया। इज इट क्लियर और नॉट? दोनों न्यूक्लियोफाइल थे अलग अलग, दोनों ने अटैक किया और जब ये काइनेटिक्स चेक की गई, पता किया गया लैब में, कैसे ऊपर वाली रिएक्शन है ना वो रेट वन से चल रही है और नीचे वाली रिएक्शन रेट टू से चल रही है। लेट सपोज अगर मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि रेट वन इज ग्रेटर देन रेट टू, इट मीन्स विच न्यूक्लियोफाइल इज बेटर, तो अपन बोलेगा अगर इसके रेट ज्यादा है डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक फास्ट किया होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक फास्ट किया है तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, क्योंकि जितना फास्ट अटैक करेगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा। मेरी बात सुनाई? लेट सपोज मान लो, लेट सपोज रेट वन इज ग्रेटर देन रेट टू, देन वी कैन से न्यूक्लियोफाइल वन इज बेटर देन न्यूक्लियोफाइल टू। बेटर मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर मतलब मैंने बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ये फास्ट अटैक करता होगा, है ना? और बेस में क्या सीन बनता है? बेस में मतलब ऐसा सीन बनता है, इट इज रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है स्टेबिलिटी, उसे चलने फिरने से कोई मतलब नहीं है। मान लो कोई एक बेस है, ए माइनस नाम का एक बेस है, सामने कोई एच वाला आया, कोई भी जैसे एच सी एल आया मान लेट सपोज, क्लियर है? इस एच को इसने हटा लिया, तो हटा लिया तो उसने अपना बेस का काम कर दिया, सी एल माइनस को बाहर कर दिया, ओके। और इधर मान लो लेट सपोज कोई बी माइनस आया और इसने एच सी एल को हटाया और यहाँ पे कोई बी एच बन गया और सी एल माइनस को बाहर कर दिया, क्या बात? ठीक है। अब आपको मान लो बोला गया कि यहाँ पे तो कोई अटैक वटैक तो हुआ नहीं है, उसने तो दोनों ने एच प्लस निकालने का तरीका ढूंढा है, तो बोलेंगे जल्दी कौन एच प्लस निकालेगा, है ना? तो बोलेंगे ये पता कैसे करेंगे भाई जल्दी कौन एच प्लस निकालेगा, तो अपन बोलेंगे स्टेबिलिटी चेक कर लो ना ए माइनस, ये तो अपना नारा था। अपन बेस कैसे चेक करते थे? स्टेबल एनायन ऑलवेज लेस बेसिक। अगर कोई नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल ज्यादा मानता है तो डेफिनेटली उसे कोई जरूरत नहीं है एच प्लस निकालने की, या फिर ऐसे बोलो अपने नेगेटिव चार्ज दूसरों को देने की। इज इट क्लियर और नॉट? लेट सपोज मान लो मैंने बोला कि ए माइनस इज मोर स्टेबल, ए माइनस इज मोर स्टेबल देन बी माइनस, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो अब बोले कि ज्यादा जरूरत किसको है फिर, ए माइनस को एच प्लस निकालने की ज्यादा जरूरत है या बी माइनस को? तो बोले सर बी माइनस को, बिकॉज वाई इट इज लेस स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी कम है ना, ये थोड़ा ज्यादा पीड़ित है और ये कम पीड़ित है। इज इट क्लियर और नॉट? इट मीन्स बी माइनस इज द बेटर बेस देन, ये बात हो गई। ऐसे करते हैं बच्चों बेस और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। क्या बात समझ में आ गई इतनी? ओके अब बोले कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ अपन देखते हैं भी, कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है कौन खराब है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस बात पे डिपेंड करती होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर वन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बच्चों सीधी सी बात ही है कि एक मान लो को न्यूट्रल है ना, और एक मान लो को नेगेटिव चार्ज है। आपसे पूछा जाए कि दोनों में से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि देखो लोन पेयर हो चाहे बेस हो, दोनों ही होते हैं, लोन पेयर वाले सॉरी बेस हो या चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, लोन पेयर वाले और नेगेटिव चार्ज वाले दोनों होते हैं। तो अच्छा किसी मानोगे? चाहे एच प्लस को निकालना ही पड़े चाहे उस पर अटैक करना पड़े, लेकिन नेगेटिव चार्ज रियल में चार्ज होता है तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगा न्यूट्रल वालों से। तो वही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो ज्यादा है तो क्या ज्यादा है? तो बोलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है ना? तो अपन क्या बोलेंगे,
उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, एनयू ग्रेटर, ये इंक्रीजेस समझ में आ गया, न्यूक्लियो एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल है ना, ओके। और ये अगर बात है तो उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा है फिर तो, मतलब सेम ऑर्डर है कहने का मतलब, देखो नेगेटिव चार्ज तो अच्छा ही बेस होगा ना। जैसे देखो मान लो मैंने आपसे बोला कि एक तो पानी है जो लोन पेयर वाला है, एक मान लो OH माइनस है, दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज वाला, ये अटैक फास्ट करेगा। मैंने बोला पानी और इस OH माइनस में अच्छा बेस कौन है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज वाला, OH प्लस को जल्दी निकालेगा, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम आएगा। मैंने मान लो आपसे बोला कि एक अमोनिया है जो कि लोन पेयर रखता है और एक NH2 माइनस है, बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा, तो बोले नेगेटिव चार्ज वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उसकी बेसिसिटी बोलो या फिर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलो, वो एक ही आंसर आना है, दोनों का सेम ही आएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? ओके, जैसे मान लो मैंने बोला क्या, एक तो एल्कोहल है और एक RO माइनस है, विच वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, RO माइनस, लेट सपोज RSH है और एस माइनस है, इस टाइप से ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर है एज वेल एज बेस का भी ऑर्डर है ना, भले न्यूक्लियोफाइल पूछे चाहे बेस पूछे, कर लोगे ना। जैसे कि मान लो कोई एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लोन पेयर वाली है, लेकिन इसका अगर नेगेटिव जनरेट कर दे तो इसीलिए इसका बच्चों एक एक्सेप्शन भी अपने पास है, वो ये है कि जैसे एसीटेट आयन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव चार्ज वाला तो बढ़िया होना चाहिए ना, लेकिन इससे भी एक अच्छा अपने पास न्यूक्लियोफाइल है और अच्छा बेस है, विच इज अमोनिया। अपन आगे जाके जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तो बहुत बार मैं ये बात बोलूंगा कि ऑल नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन का लोन पेयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आएगा, हर एक नेगेटिव चार्ज, दुनिया का हर एक नेगेटिव चार्ज अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मानता है, और न्यूट्रल में सारे नहीं, न्यूट्रल में सिर्फ एक ही होता है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है, और इस नेगेटिव चार्ज से भी नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने में ज्यादा फास्ट विश्वास रखेगा, है ना। ये किसका ऑर्डर है, ये आप चाहे बोलो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बोलो, चाहे आप उसका बेसिसिटी का ऑर्डर बोलो, बहुत अच्छे दोनों, बेस भी अच्छा है इससे और इससे न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, क्या ये बात याद रहेगी, इसको डब्बे में बंद कर लो। ओके, और किस बात पर डिपेंड करता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फंडा है ना बच्चों, वो ऐसे हर कहीं नहीं चलेगा, वो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, मतलब इन ए पीरियड वैलिड ओनली इन पीरियड। अगर पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब पीरियड में चलते हैं, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा अपना सकते हो, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर स्टेबल एन आयन एंड लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफाइल। मीन्स वॉट, क्या मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम विच हैव नेगेटिव चार्ज, लेट सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा ना, और स्टेबल नेगेटिव चार्ज है, अगर स्टेबल एनायन है तो दूसरों को डोनेट वोनेट कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, तो उसकी बेसिसिटी हो गई कम, सॉरी बेसिसिटी, हाँ सही बात है, कम हो गई, और वो अगर अपने आप को स्टेबल मानता है तो उसे अटैक करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का डिक्रीज हो गया जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। लेकिन ये वाले फंडे जो है ना, ये वाला कब लगाना है, ये वाला सिर्फ पीरियड के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली फॉर ए लेफ्ट राइट इन पीरियड, बाकियों में नहीं।
जैसे देखो, मान लो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों ना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और एफ पे नेगेटिव है। आपको बोला गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो ऑर्डर आप जल्दी से नहीं बता सकते, लेकिन आपको मैंने बोला बेस अच्छा कौन है, ये तो अपने जीओसी पढ़ी हुई है। क्या लगता है बताओ, इन चारों में बेस अच्छा कौन है? व्हेन लेफ्ट टू राइट द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डिसाइडेड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, अगर स्टेबल ज्यादा तो दूसरों को देना कम पसंद करेगा, इसका मतलब बेस अच्छा कौन? कार्बन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और सेम ऑर्डर किसका आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। सेम ऑर्डर किसका आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। क्लियर है ये बात? चलो बताओ मुझे, PH2- SH- Cl- कौन हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या लगता है, बोलो क्या कहना है आपका इसके बारे में? हो जाएगा ना ऐसे? ओके, मान लो कल को टॉप टू बॉटम मूव करे तो आपको याद है ना VCD, साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, तो थर्ड नंबर पॉइंट कौन सा हो जाएगा? साइज। साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम, मान लो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी साइज आपने बढ़ाई तो डेफिनेटली उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या कमेंट करोगे? बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो फिर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी डिक्रीजेस बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, उल्टा ऑर्डर आता है इसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का। लेकिन इस बात का याद रखना कि दिस इज ओनली, ये साइज वाला फंडा जो है, ये साइज वाला फंडा ओनली वैलिड फॉर ग्रुप टॉप टू बॉटम, सिर्फ ये ग्रुप के लिए वैलिड है, अदरवाइज ऐसे फंडे अपन नहीं लगा सकते, है ना? तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का उल्टा ऑर्डर आ गया। तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो नहीं बता सकते, लेकिन बेसिसिटी का ऑर्डर बहुत इजीली बता सकते हो, उसका उल्टा ऑर्डर कर देना वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो जाएगा ना। जैसे लेट सपोज मान लो एफ माइनस है, सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है, बताओ ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बोलेंगे बेसिसिटी तो क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीजेस। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों बढ़ रही है इनकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, अच्छे बोलेंगे किसमें होंगे? तो आपको मैं बता दूं कि जैसे एफ माइनस, सी एल माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस, इट इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये एक न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर है, और ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर ब्रैकेट में ऐसे लिखना पड़ता है कि इन पीपीएस। तो बोलेंगे पीपीएस मतलब दिस इज नोन एज ए सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ये एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ये ऑर्डर आता है। तो बोलेंगे सोलवेंट का क्या है, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, रोल ऑफ सोलवेंट क्या होगा, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डर क्यों आया, यहाँ पे मुझे इस बात को क्यों लिखना पड़ा कि ये ऑर्डर पानी में आता है। अगर कल को कोई मैं दूसरा बेंजीन वेंजीन लूँ तो क्या ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्या, इस बात को अपन डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, साइज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड किया है ना, और किस बात पे डिपेंड किया उसने? क्लियर रही हुआ? ओके, ये हो गया, अपने कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब और ही देखेंगे एक दो। चलो एक बात और लिख लो, इफ अ डोनर एटम इज सेम देन जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम ही आता है। मतलब डोनर एटम का मतलब, जैसे बहुत बार आपको ऐसे लगेगा सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मान लो कोई आर ओ माइनस है, लेट सपोज ओ एच माइनस है, एक मान लो पी एच ओ माइनस है, और एक मान लो आपको मैंने दिया के CH3C डबल बॉन्ड O- है ना, और एक मान लो कोई CH3S डबल बॉन्ड O- इस टाइप से मैंने आपको दिया है ना। ओके बच्चों,
अब आपको मैंने बोला कि इसमें ना मुझे न्यूक्लियो फिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए, तो बोले कि सर न्यूक्लियो फिलिसिटी का ऑर्डर निकालना इतना इजी नहीं है, लेकिन बेस आप अच्छा कौन है ये जरूर बता सकते हो। आपको शायद पता होगा कि ये नेगेटिव चार्ज सर इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा तो उतना ही उसे दूसरों पे अटैक करना या फिर एच प्लस निकालने की टेंडेंसी कम, और ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा होगा है ना, ये दो इक्विवेलेंट आर एस कर रहा होगा तो उससे कम स्टेबल, इसका बोले इससे अच्छा बेस, तो बोले ये एक ऑर्डर आ गया। तो बोले ये सिंपल रेजोनेंस कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चों, सिंपल रेजोनेंस कर रहा है। ओके ओ एच माइनस, तो बोले ओ एच माइनस क्या कर रहा होगा, तो बोलेंगे ओ एच माइनस और आर ओ माइनस में अच्छा बेस कौन, तो बोले दोनों ही काम के नहीं है दोनों, ये केवल इतना अपना आपका प्लस ही कर रहा होगा, और प्लस ही कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, मतलब दे रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज एच प्लस निकालने में आसानी रहेगी, ये स्टेबल ज्यादा है इसका मतलब स्टेबल है, नाइन ऑलवेज लेस बेसिक, तो ये बढ़िया रहेगा। तो क्या ऑर्डर आएगा, क्या ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, ये इनडायरेक्टली अगर मैं ऐसा उल्टा लिखता तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता, स्टेबिलिटी का आपने उल्टा कर दिया तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया, और इन केस ऑफ सेम डोनर एटम इट मींस ऑक्सीजन यहाँ दे रहा है, 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 तो उस केस में बेसिसिटी बोलो या फिर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलो, जनरली ऑर्डर सेम आता है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक बात का अंतर है, वो अंतर ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय क्राउडिंग, उसकी स्टेरिक क्राउडिंग अगर हुई तो उसे भी काफी तकलीफ महसूस होगी। जैसे आप इसको चाहे आप एक्सेप्शन मानो, चाहे आप एक लॉजिकली बात कर लो, मुझे आंसर बताना है ना। जैसे CH3 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 O-, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक मान लो मैंने आपको बोला कि CH3 CH2 O-, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको मैंने बच्चों सेकंड नंबर दे दिया, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है ना, चार कार्बन है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इसीलिए इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है TBuO-, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये कौन है इथोक्साइड, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है ETO-, दिस इज नॉन इथोक्साइड। मेरा पहला क्वेश्चन कि दोनों में KB किसका ज्यादा, बेस अच्छा कौन, तो बोलेंगे बेस का मतलब तो ये होता है कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिससे वो H प्लस निकाल ले, बोले बड़ा छोटा, तो बोले बड़े छोटे का बेस से क्या लेना देना, क्या ये बात सही है कि नहीं है, है ना, तो बोलेंगे सर प्लस आई करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा ये स्टेबल कम है, तो अगर ये स्टेबल कम है तो डेफिनेटली टर्सरी ब्यूटोक्साइड इज बेटर बेस्ट देन इथोक्साइड, तो बात सही है उसकी, फर्स्ट वन इज मोर बेसिक देन सेकंड। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे ये पूछा कि इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन है, तो बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल तो चल के जाने वाला है, तो चल के जाने वाला है तो ये नेगेटिव चार्ज मान लो अटैक करने जा रहे हैं, एक मान लो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करने जा रहा है, कौन फास्ट अटैक करेगा, छोटा वाला है ना, तो ये तो चल नहीं पाएगा, एक आधे किलोमीटर चलेगा बाद में इसके पसीने निकलने लग जाएंगे, क्या लगता है आपको, है ना, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये है, तुरंत भागेगा अहमदाबाद पहुंच जाएगा ये, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, है ना। जैसे एक्सेप्शन क्या है, लॉजिकली समझ में आ गई ना बात, चलो बताओ जैसे कि मान लो ये पिरीडीन है, एक मान लो मैंने क्या किया, इस पिरीडीन की थोड़ी सी तकलीफ बढ़ा दी मैंने, कैसे बढ़ाई, यहाँ पे ऐसे क्राउडिंग कर दी, और इसको नाम दे दिया फर्स्ट वन, इसको नाम दे दिया सेकंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ के बी, इट मीन्स नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करके आना है ना, तो बोलेंगे बेस का मतलब तो क्या होता है, इसको खुद को थोड़ी जाना होता है, एच प्लस निकाल लेगा, अगर साइडों में लगे रहेगा तो कोई बात नहीं, धीरे से एच प्लस निकाल लेगा, बाबू जी एक एच प्लस दो मुझे, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी ये प्लस आई करेंगे तो डेफिनेटली सेकेंड वन इज मोर बेसिक देन फर्स्ट वन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए तो जब ये लोन पर अटैक करने जाएंगे तो ये जो क्राउडिंग है वो उसे क्या करेंगे, तकलीफ देंगे, इसका मतलब फर्स्ट वाला ठीक है सेकंड वाले से, न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी क्लियर हुई कैसे किया अपन ने, है ना। इसको नोट डाउन करो बच्चों, मैं पानी पी लेता हूँ ना। लिख लिया बच्चों ये सब, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना कभी, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं क्या,
रोल रहेगा सॉल्वेंट का। भाई मैंने बोला कि भाई पानी में तो ये आ रहा है, कल को कोई सॉल्वेंट चेंज हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा क्या? तो इट मींस अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर जो सॉल्वेंट होता है उसका क्या रोल होता है, इसको डिस्कस करने के लिए अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज, है ना, मान लो एक अपने पास बीकर है बच्चों, ठीक है ना। उस बीकर में आपने एक लेट सपोज NaF नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट किस में लिया, तो बोलेंगे मान लो पानी में लिया। तो अगर पानी में लिया तो पानी एक क्या है, PPS टाइप का सॉल्वेंट है ना। PPS टाइप का सॉल्वेंट है, PPS। PPS चाहे आप कोई भी ले लो, जैसे मान लो पानी ले लो, ईथर ले, सॉरी कोई भी एल्कोहल ले लो, कोई भी ले लो, है ना। ये तो मानते हो ना कि उसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आएगा, उसका म्यू जीरो नहीं होगा, है ना। म्यू जीरो नहीं होगा, और म्यू जीरो भी नहीं होगा, और प्लस माइनस काफी बड़ा बनेगा। प्लस माइनस क्यों बाल काफी बड़ा बनेगा, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, और इधर से भी यही हालत हो जाएगी, डेल्टा प्लस और इधर डेल्टा माइनस। इसका मतलब एक ऐसा बोल सकता हूँ ना, पोलर मॉलिक्यूल है और उसमें डाइपोल क्रिएट हो गया है। जितने भी अपने पास बच्चों पीपीएस होते हैं ना, पीपीएस, उसको हमेशा एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस हो जाता है, चाहे पानी हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कोई हो, इसमें दोनों ही टर्मिनल अवेलेबल होते हैं, प्लस और माइनस वाला। तो जैसे ही आप NaF को पानी में डालोगे, तो Na प्लस और F माइनस जो बनेगा उसे क्या करेगा, वो PPS सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। ये तो मानते हो? तो देखो ये सबसे पहले इसमें क्या काम होगा, इस बीकर में कौन कौन है, तो बोले इस बीकर में दो बातें थी, इस बीकर में एक था Na प्लस और एक था F माइनस, ये दो काम थे। दोनों को पानी ने सराउंड करना स्टार्ट कर दिया। पीपीएस का मैं एक एग्जांपल ले लूं, पानी H2, है ना। तो बताओ Na प्लस को जो है वो तो किस साइड से वो सराउंड करेगा, H मतलब O की साइड से, है ना, क्योंकि तो वो नेगेटिव साइड वाला होता है, इस टाइप से उसे सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। ये बात मानते हो? और F माइनस को किस साइड से करेगा, H2O की साइड से कर लेगा, लेकिन करेगा जरूर, इस बात की अपने पास गारंटी है। क्या बात समझ में आई? ये सराउंड हो गए। और जब आप बताओ कोई भी ऐसे सराउंड करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे काम होते हैं। जब बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ से ऐसे एनर्जी निकलती है, और दैट एनर्जी इज नॉन वेज सोल्वेशन एनर्जी। और अगर ये पानी होता है तो उस केस में उस एनर्जी का नाम क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, HE। अगर पानी के अलावा एल्कोहल होता तो इन जनरल बात करता मैं, ऐसे बोलता सोल्वेशन एनर्जी, एनर्जी निकलती है। और ये जब एनर्जी निकलती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होती है तो केमिस्ट्री में क्या ना रहा है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। इसका मतलब एनर्जी डाउन होने से इनकी स्टेबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब आपने एक बात तो क्या नोटिस की, एक बात तो सर ये नोटिस की कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो कैटाइन को भी सराउंड करेंगे और एनाइन को भी सराउंड करेंगे। ये तो मानते हो ना, जैसे कैटाइन को भी घेर लेंगे और वो एनाइन को भी घेर लेंगे। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सराउंडेड बोथ कैटाइन एंड एनाइन, दोनों को सराउंड कर लिया। मुझे फिलहाल तो न्यूक्लियोफिलिसिटी से मतलब है, तो मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, न्यूक्लियोफाइल बढ़िया कौन है ना। तो इसमें तो Na प्लस का तो कोई रोल नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। कल आपने इस बात को डिस्कस किया था कि किसी प्रकार का कोई एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तो मुझे तो सिर्फ एफ माइनस से मतलब है कि पानी के अंदर एक एफ माइनस है। और सेम कोई मैंने एक एग्जाम्पल लिया दूसरा, उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट सपोज NaI इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या लिया, NaI इलेक्ट्रोलाइट लिया, किसमें लिया, तो बोलेंगे पानी में लिया। इज इट क्लियर? तो पानी में लिया, तो इसमें भी तो ऐसा ही काम होगा ना, सेम ही तो काम होगा, चेंज कुछ नहीं हुआ। वैसे एक छोटी चीज अपन को नोटिस करनी है बच्चों, वो ये करनी है कि इधर मान लो Na प्लस आया, इधर मान लो बच्चों I माइनस आया, है ना, तो इसको सराउंड हुआ सेम ऐसे करके। थोड़ा जल्दी बना दूंगे,
ये लो मैंने मेरे हिसाब से तो जल्दी बनाया, बाकी स्पीड हो गई है पुरानी वाली, है ना। ओके, आई माइनस को भी पानी घेरेगा। अब मुझे अगर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई हुई है तो मुझे एक बात का जवाब दे दो आप लोग कि एफ माइनस को पानी ज्यादा सराउंड करेगा या आई माइनस को, क्या लगता है? जो छोटे साइज के होते हैं उनके बच्चों पानी ज्यादा चिपक जाते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, न्यूक्लियस उसके पास में रहता है, और अगर वो पानी चिपक जाते हैं तो आपको मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ जो बाहर छोटा आयन दिखता है वो पानी में जाके बड़ा हो जाता है ना। ओके, इसका मतलब आई माइनस और एफ माइनस में पानी ज्यादा एफ माइनस के चिपकेंगे, इसके तो थोड़े बहुत चिपकेंगे, चिपकेंगे जरूर लेकिन थोड़े बहुत ऐसे चिपक गए, ठीक बात है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरे को ये बता दो, ऐसा सीन बना, ऐसा करके वो पानी चिपक गया। अगर मैं ऐसे सोचूं कि हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होगी, हाइड्रेटेड आयन की साइज ये हुई इस टाइप से, इसकी आई माइनस की, और एफ माइनस की क्या हुई, एफ माइनस की थोड़ी बड़ी होगी, कुछ तो मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना भी पड़ता है ना, ऐसा काम हो गया। तो आपको बोला जाए कि पानी के अंदर, आपके दिमाग में तो ये बात आई होगी कौन सी, कि जब मैंने ये न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर लिखा था आई माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बी आर माइनस देन सी एल माइनस देन एफ माइनस, किसमें, पी पी एस में। तो आपने दिमाग तो लगाया होगा कि सर आई माइनस कैसे हो सकता है, आप बार बार तो ये बोलते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिलेटेड टू काइनेटिक्स, कर न्यूक्लियोफिलिसिटी तो चलने फिरने से रिलेटेड है और आई माइनस तो सर बड़ा है वो कैसे फास्ट चलेगा, एफ माइनस चलना चाहिए था फास्ट, है ना। लेकिन क्योंकि सोलवेंट में रिएक्शन चलती है, हवा में रिएक्शन नहीं चलती है, इसी वजह से एफ माइनस डेफिनेटली बाहर छोटा है लेकिन वो पानी में जाके पोलर प्रोटिक सोलवेंट में जाके बड़ा हो जाता है, इसलिए आई माइनस जो होता है एज कंपेयर टू एफ माइनस, आई माइनस इज स्मॉलर इन एच टू और वी कैन से पोलर प्रोटिक सोलवेंट दैट माइनस आई माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एफ माइनस, सो दैट आई माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन बेस, सॉरी एफ माइनस। क्लियर है ये बात? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है बच्चों कैटायन और एनायन को दोनों को सराउंड कर सकता है, इसलिए वो एनायन को सराउंड करेगा तो डेफिनेटली उसे छोटा कर देगा या बड़ा कर देगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है। क्या आपको ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे हिसाब से तो रह जाएगी, है ना। ओके, ये सेम एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं पोलर एप्रोटिक में लेता, पोलर एप्रोटिक में लेता, तो एप्रोटिक का कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि मान लो पोलर एप्रोटिक का एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एसीटोन ले लिया, मान लो लेट सपोज एसीटोन ले लिया, या फिर डीएमएसओ ले लो या फिर इथर ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन आप इस चीज में क्या नोटिस कर पा रहे हो, आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि इस पे डेल्टा माइनस इस पे डेल्टा प्लस, है ना। लेकिन डेल्टा प्लस को तो CH3 ने सराउंड कर रखा है खुद को ही, मतलब डेल्टा प्लस तो खुद एक तकलीफ महसूस कर रहा है और डेल्टा माइनस एक ही है, मतलब कहने का मतलब। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल फॉर सराउंडिंग, आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज आपके पास, इसका मतलब अगर कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट टाइप का होता है ना तो उसमें प्लस माइनस दोनों अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाते, केवल माइनस साइड ही हो जाके किसी को सराउंड करने के लिए जिम्मेदारी उसको दी गई है, इसका मतलब उसमें ओनली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो कल को मान लो इलेक्ट्रोलाइट को सराउंड करना पड़ा तो ये किसको सराउंड कर पाएगा, कैटाइन को या एनाइन को, ओनली कैटाइन को, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है अच्छी तरीके से जो सराउंड कर सकता है, तो फिर एनाइन एनाइन ऐसे घूमता रहेगा। क्लियर है ये बात? इस बात को लिख लेते हैं, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली कैटायन विल सराउंडेड, ओनली कैटायन विल सराउंडेड, सिर्फ कैटायन को सराउंड कर पाएगा, एनायन को इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये डायग्राम मुझे मिटाने पड़ेंगे, यहां पे एन ए प्लस आया, एफ माइनस, एन ए प्लस, आई माइनस, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, कैटायन को साउंड कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ से,
रही बात, एनायन को, तो बोले एनायन को सराउंड करने का काम सर दिया ही नहीं गया है पोलर एप्रोटिक को, तो एनायन ऐसे ही घूमेगा खुला बिल्कुल आजाद पंछी। अब ये और कैटाइन को इसने सराउंड कर दिया, तो इसको तो हालांकि अच्छा लग रहा है लेकिन अपने कोई काम का ही नहीं है सराउंड किया हुआ। अपन को तो मतलब है नेगेटिव चार्ज वालों से, न्यूक्लियर ट्रायल से, तो बोलेंगे सर एफ माइनस भी ऐसे ही घूम रहा है, आई माइनस भी ऐसे ही घूम रहा है, तो ऐसे ही घूम रहा है तो इसका मतलब कोई छोटा बड़ा उल्टा नहीं होगा। एफ माइनस रियल में छोटा होता है, आई माइनस रियल में बड़ा होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या आउट रहेगा? तो एफ माइनस देन सी एल माइनस देन बी आर माइनस देन आई माइनस, बट किसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों ये ऑर्डर आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली इफ चेंज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोसिटी विल बी रिवर्स्ड, उल्टा हो जाता है, ओनली वैलिड फॉर ग्रुप। ये जो बात है ना वो ग्रुप के लिए वैलिड है बच्चों, पीरियड में ऐसे काम नहीं होते है ना। ऐसे काम अपने पास थोड़ी बहुत आपको याद होना चाहिए, हेलोजन वाला एग्जांपल जरूर याद रखना, क्योंकि जनरली अपने पूरी ऑर्गेनिक में यही काम होते हैं, हेलोजन ही अटैक करेंगे बाकी सब नहीं करेंगे। बाकी थोड़ा आइडिया आपको जरूर रहना चाहिए कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ओनली कैटाइन ही सराउंड होते हैं, एनायन सराउंड नहीं होते हैं। दैट्स वाई रीजन एफ माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आई माइनस। देन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोथ कैटाइन एंड एनायन आर सराउंडेड, सो दैट द ऑर्डर विल बी आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, इस टाइप से आता है। तो आपको रोल ऑफ सॉल्वेंट पता चला क्यों ऐसा हो जाता है ना। ओके बच्चों, बाकी अपन अब कल देखेंगे, क्लियर है बात? ओके, थैंक यू।